सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्ही से है हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुझको पठाया लेहे निमंत्रण तुझको पठाया, फूलों से आसन है सजाया, फूलों से आसन है सजाया। लेहे निमंत्रण तुझको पठाया, फूलों से आसन है सजाया। रिद्धि सिद्धि संग मिलाओ हे गणपति, घर मेरे आ जाओ। सुख संपत्ति बरसाओ हे गणपति, घर मेरे आ जाओ। हे गणपति घर मेरे आ जाओ, हे गणपति घर मेरे आ जाओ। रिद्धि सिद्धि संग मिलाओ हे गणपति, घर मेरे आ जाओ। देवों के देव महादेव के दुलारे, पार्वती माँ की आँख के तारे। देवों के देव महादेव के दुलारे,
पार्वती माँ की आँख के तारे, भाल चंद्रमा सोहतनी के, मस्तक पे तेरे मुकुट मणि के, बिगड़े काम बनाओ हे गणपति घर मेरे आ जाओ। सुख संपत्ति बरसाओ हे गणपति घर मेरे आ जाओ। रिद्धि सिद्धि संग मिलाओ हे गणपति घर मेरे आ जाओ। जय जय गणेश। आरती का मैंने थाल सजाया, भक्ति भाव से जोत जलाया, आरती का मैंने थाल सजाया, भक्ति भाव से जोत जलाया, श्रद्धा से मैं तो शीश झुकाऊं, गणपति तेरी महिमा मैं गाऊं, अब ना देर लगाओ हे गणपति घर मेरे आ जाओ। सुख संपत्ति बरसाओ हे गणपति घर मेरे आ जाओ। रिद्धि सिद्धि संग मिलाओ हे गणपति घर मेरे आ जोर के दे हुआ भय वरदान। रिद्धि सिद्धि के स्वामी प्रभु, प्रथम पूज प्रथमेश, शुभ लाभ संग लिए पधारो घर में करो प्रवेश। शिव शंभु के राज दुलारे हे प्रभु दया निधान, विनती मेरी स्वामी सुनो हृदय बसो मम आन। जय गज बदन सदन सुखदायक, जय गणपति गणराज, वंदन करो मैं आपका पूर्ण करो मम काज। शोक संताप, शीश पे स्वर्ण मुकुट शोभे, गले मणि मुक्तन हार, असुरों का संहार करे कर मेलिए कुठार। पीतांबर धारण किए मस्तक तिलक लगाए, श्री गणेश जी भक्तों पे रहते सदा सहाय। जय गणपति सदगुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। सदा कैलाश पे शिव शंभू के साथ
बल बुद्धि विद्या के दाता कृपा करो हे नाथ। एक दंत शशि भाल गजान माँ गिर जाके लाल, कार्य सिद्ध सबके करे विघ्नों को देताल। वक्र तुंड के रूप में रहती शेर सवार, मत सरसुर का वध किए कर मेली कुठार। महापराक्रमी देते जब करते अत्याचार, सेनापति बन देवों के करते असुर संहार। जग के पालनहार, दुष्ट मदासुर शरण में आया तोड़ दिए अभिमान, क्षमा किए दुराचारी को भक्ति की प्रदान। तन का मैल छुड़ाई पार्वती करती समय स्नान, मूर्ति बनाई गणेश की प्रकट हुए भगवान। वंदन माँ गिरजा का बोली श्री गणेश, बोलो क्यों मुझे याद किया कार्य है कौन विशेष। प्रथमेश रूप चतुर भुज धार प्रभु करते मोह का नाश, तन मन में वैराग्य जगा के देते परम प्रकाश। दिव्य ज्योत आलोकिक शक्ति करते प्रभु प्रदान, मंगल में जीवन रहने का देते हैं वरदान। संतों के करते हृदय में वास। हे प्रभु होती सुबह शाम, चरणों में प्रणाम करो दे दो आशीर्वाद, मेरे तन से दूर करो आलस नींद प्रमाद। विकट विनायक रूप में मयूर करे विहार, तेरे द्वारे भक्त सदा करते जय जयकार। गणपति बप्पा मोरिया धन की करे बरसात, शरण में आए भक्तों की बिगड़ी बनाते बात। Thank you.
रक्षा करते प्रभु असुरों का संहार। भय को भी भयभीत करे श्री गणेश का नाम। महाकाल के लाल को करते सभी प्रणाम। दुष्ट दलन संकट हरण बल बुद्धि विद्या निधान। सारी समस्या का प्रभु कर देते समाधान। चतुर्थी का व्रत जो करे धरे गणेश का ध्यान। मनोकामना पूरी हो कहते वेद पुराण। शेष सवारी पे चले विघ्न राज कहलाए। सारी बाधा को हरते संकट देते मिटाए। विजय किए ममता सुर पे विघ्न राज एक दन। जयकारा करने लगे ऋषि मुनि संग संत। संतों की सिद्धि सिद्ध करे सिद्धि विनायक नाम। सिद्धि विनायक को जपो पूर्ण होए सब काम। मां पार्वती मेल छुड़ाई तनिक
में ही प्रकट हो गए श्री गणेश भगवान। पार्वती के चरणों में गणेश जी शीश झुकाते, गणेश जी शीश झुकाते। तुम्हें हम कथा सुनाते, गणेश की गाथा गाते। पास गणेश के आके
हम कथा सुनाते गणेश की गाथा गाते। सब देव से बोले सुनो लगा कर ध्यान, किसी बच्चे का शीश शिखर ही काट के तुम ले आओ, सुनो विष्णु ना देर लगाओ यथा शीघ्र ही जाओ। हथिनी के बच्चे का शीश विष्णु जी काट के लाए, ब्रह्मा जी ने श्री गणेश के से शीश लगाए, जीवित हो गए श्री गणेश जी हाथ के शीश को पाके। श्री गणेश को पार्वती खुश हुई सीने से लगा के, देख गणेश को सभी देवता है हर्षित हो जाते, है हर्षित हो जाते।
स्वामी नंदन श्री गणेश जी महाराज की। भक्तों, देव गजानन भक्त जनों के रखवाले हैं और जब जब उनके भक्तों पर विपदा पड़ती है तब तब गणपति बप्पा अलग अलग रूप धरकर धरा पर आते हैं तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को मिटाते हैं। आइए आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों की संगीत में कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे गणपति बप्पा ने अलग अलग रूप धारण किए और अपने भक्तजनों की तथा देवी देवताओं की रक्षा की। तो एक बार फिर मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा मन में लिए एक बार फिर बोलिए बोलिए देवता गजानन भगवान की। सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। ये वेदों की है वाणी, ऋषि मुनियों ने बखानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। आइए भक्तों, भगवान गणेश के 8 अवतारों की पावन गाथा सुनते हैं। देव गजानन का प्रथम अवतार वक्रतुंड रूप का है। भक्तों, देवा ने यह अवतार मत्सरासुर का वध करने हेतु धारण किया था। मत्सरासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक अनेक वरदान प्राप्त किए थे और अपने बल के अनुसार उसने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। तब देवों के आह्वान पर देवा ने वक्रतुंड का रूप धारण किया और मत्सरासुर तथा उसके पुत्रों का वध किया तथा देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। ऐसे ही भक्तों, अपने दूसरे अवतार में बप्पा ने एक दंत का रूप धारण किया और मदासुर का अंत कर देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणपति गणेश की जय जयकार बुलाई। वन वक्र तुंड देवा मत्सरासुर को मारा। वन वक्र तुंड देवा मत्सरासुर को मारा। और एक दंत बन के है मदासुर संघारा। देवों की रक्षा कीनी, कीर्ति सभी बखानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने तीजे अवतार में गणपति गणेश महाराज ने महोदर का रूप धारण किया था। भक्तों, नाम के अनुसार इस अवतार में देवा का बहुत बड़ा पेट है तथा ये मूषक की सवारी करते हैं। जब मोहासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी तब सभी देवी देवताओं के आह्वान पर देवा ने मोहासुर से युद्ध कर उसे हरा कर अपने अधीन कर लिया था। भक्तों, देवा का चतुर्थ अवतार है गजानन अवतार। जब लोभासुर से युद्ध करने देवा आए तो लोभासुर ने उनकी शक्ति को देखकर बिना युद्ध करे ही उनके चरणों में समर्पण कर दिया तथा पराजय स्वीकार कर भगवान श्री गणेश की
आधीनता स्वीकार की। महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, गजानन से हार मानी लोभासुर शरण में आया, असुरों ने क्षमा मांगी आधीनता अभिमानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने पंचम अवतार में गणपति गणेश भगवान ने लंबोदर का रूप धारण किया और देवों पर अत्याचार करने वाले क्रोधासुर को युद्ध में परास्त कर उसे सदा सदा के लिए पाताल लोक भेज दिया। अपने छठे अवतार में भगवान श्री गणेश जी ने विकट का रूप धारण किया था भक्तों, और मोर की सवारी कर शिव से वरदान प्राप्त किए हुए कामासुर का वध कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया था। देवी देवताओं ने एक बार फिर गौरी नंदन भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम कर उनकी जय जयकार की। लंबोदर बने तो क्रोधासुर को हराया, बने जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, बने जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, असुरों ने घुटने टेके और हार अपनी मानी। अपने सप्तम अवतार में भगवान गणपति गजानन ने विघ्नराज का रूप धारण किया था भक्तों, और जब ममासुर ने अपने बल से सभी देवी देवताओं को अपना बंदी बनाकर उन्हें कैद कर लिया था, तब विघ्नराज रूप में देवा ने असुर को परास्त कर देवों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। अपने अष्टम अवतार में भगवान श्री गणेश ने धूम्रवर्ण का रूप धारण किया और महाशक्तिशाली दैत्य अहंतासुर का अंत कर देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। तो आइए भगवान श्री गणेश के आठों अवतारों की जय जयकार करें। बोलिए गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश जी महाराज की। बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, और धूम्रवर्ण बन के अहंतासुर मिटाया, चंदन तिलक न देवा महिमा तो है बखानी।